अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर जाहिद। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स। कंज्यूमरिज्म, अगर कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में देखें तो वहाँ पर कंज्यूमरिज्म पाई जाती है, यानी जो कंज्यूमर को डिमांड होगा दे प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, चाहे वो आपकी इकॉनमी के लिए फ़ायदे में हो या आपकी इकॉनमी के लिए नुकसान में हो, आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो या आपकी सोसाइटी को उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा हो। बट द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज़ जो कि इकॉनमी के जो उसको बेनिफिट करेगी, जो जिसका उसको बेनिफिट होगा। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर सिर्फ वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर वो चीज़ डिमांड करेगा जो कि उसको नज़र आएगी, जो कि उसकी यानी उसकी तस्कीन को पूरा करेगी, आइदर वो उसकी हेल्थ के लिए उसकी उसके लिए बेनिफिट हो या उसके लिए नुकसान हो। लाइक इसको हम थोड़ा सा रीड करें। द कंज्यूमर बिहेवियर इन कैपिटलिस्टिक इकॉनमीज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ सॉवरेंटी ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की मुकम्मल सॉवरेनिटी है। ही इज फ्री टू बाय एनीथिंग विच ही लाइक, देर इज नो मॉरल चेक ऑन दैट। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इन कंज्यूमरिज्म कंज्यूमर का फुल होल्ड है मार्केट पे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आता है, कंज्यूमर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर को अब एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे तो एक सिगरेट नोशी का है, सिगरेट का है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, बट उसकी एडवर्टीजमेंट डिफरेंट कंट्रीज में बड़ी ओपन करके दिखाई जाती है। ठीक है, बड़ा उसको फेवरेबल दिखाया जाता है। तो साइकोलॉजिकली कंज्यूमर को इस चीज़ पर फोर्स कर दिया जाता है कि वो इस चीज़ को कंज्यूम करे या इस चीज़ को इस्तेमाल करे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर वो चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और बाकी सब चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। जबकि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल को देखें तो मोबाइल का कंजम्पशन जो है करंट डे करंट उसमें मोस्टली नॉन यूजेबल नॉन यूजफुल थिंग्स में ज़्यादा हो रहा है, जबकि यूजफुल चीज़ों में कम हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों यूट्यूब को यूट्यूब देखने के लिए, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसका बेसिक यूटिलाइजेशन देखें तो जब इसको किसी ने बनाया होगा तो इसका बेसिक पर्पस ये नहीं होगा। ठीक है, तो कंज्यूमरिज्म आ जाता है कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। सिंपल लिविंग एंड इंटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, द काइंड ऑफ इकॉनमी दैट सीम्स टू हार्मोनाइज विद द इस्लामिक एथिक इज लो कंजम्पशन इकॉनमी। लो कंजम्पशन इकॉनमी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इस्तेमाल में आने से भी कम चीज़ें इस्तेमाल करें, बल्कि लो कंजम्पशन इकॉनमी का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं कर सकते। इन इस्लाम इज प्रोहिबिटेड टू शो ऑफ। The Islamic approach would require an individual to use the resources as intensively as possible. यानी हम उसका इतना efficient utilize करें जितना हम maximum हो सकता है, not to replace them until they have truly outlived their utility. The Prophet peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, have a very high premium on simple living and discourage people from the luxuries. यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारी थी, हालांकि ड्यूरिंग हिज लाइफ ही इज द किंग ऑफ बहुत बड़े एरिया के बादशाह थे बहुत। वैसे दिस इज नॉट टू सजेस्ट दैट द इस्लाम वुड लाइक टू लिव अ लाइफ ऑफ डेप्रिवेशन and misery even they are in the position to afford the higher standard of living. मतलब ये है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कंजूसी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें या अपने आप को गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, बट इस्लाम विजुअलाइज करता है कि इनलाइटिंग द सोसाइटी वेयर रिलेटिव डिफरेंट इन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन विल बी लॉट लेस देन वट वी ऑब्जर्व इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, के हमें बस इस तरह से यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को कि हमें एक बीच का म्याना रवि इख्तियार करनी है। हालांकि जैसे कि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में देखते हैं कि अगर कोई एक बहुत ज़्यादा अमीर शख्स है तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा लग्जरीज को इंजॉय कर रहा है, जबकि एक गरीब है या वहाँ पर एक लो स्टैंडर्ड इनकम आदमी है तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बट इस्लाम क्या
कहता है, इस्लाम उसे ज़कात, खैरात, सदकात, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए वो कहता है कि अपने जो यानी मनी सर्कुलेशन है स्विच फ्रॉम रिच टू पुअर्स। द इस्लामिक व्यू ऑफ लाइफ वुड रिक्वायर दैट दोज हु कैन अफोर्ड टू हैव अ हायर मटीरियल स्टैंडर्ड शुड वॉलेंटरिटी फॉर गो सो देयर कम्फर्ट्स एंड हेल्प अदर इम्प्रूव द इकोनॉमिक लॉट्स सो एज टू इंजॉय द सिमिलर लाइफ स्टाइल। यानी ज़कात के ज़रिए, सदक़े के ज़रिए अगर हम ईद मनाते तो ईद से पहले मुसलमान पे फ़र्ज़ किया है कि फ़ित्र अदा करें, ठीक है। इसी तरह साल में एक दफ़ा अपनी लाइफ में ज़कात अदा करें, एनुअल बेसिस पे ज़कात अदा करें। तो ये किस लिए है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, जो उनके बराबर स्टैंडर्ड में तो नहीं आ सकता, लेकिन उनको हेल्प आउट किया जा सके ताकि वो अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। इस्लामिक वैल्यूज़ एंड कंज्यूमर बिहेवियर। द वैल्यू ऑफ इस्लाम सपोर्ट द अबव कंजम्पशन पैटर्न, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। इन इस्लामिक सोसाइटी तकवा इज़ कंसिडर्ड वेरी हाईली, यानी हमने लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना है अल्लाह ताला का, ताकि वो कोई गलत काम करते हुए, गलत कंजम्पशन करते हुए, गलत प्रोडक्शन करते हुए, किसी का हक मारते हुए, उनके दिल में खौफ होना चाहिए। द मोर अ पर्सन इज गॉड कॉन्शियस द मोर हाईली इज इस्टीम्ड इन द सोसाइटी। यानी आप कहीं पर भी गलत काम करेंगे और अगर आपके दिल में ये डर पैदा हो गया कि यार मुझे अल्लाह देख रहा है, मेरी बातें नोट हो रही हैं, तो वहाँ पर आप वो काम नहीं करेंगे, वो गलत काम नहीं करेंगे। और कहीं पे भी कोई छोटा सा भी काम, अच्छा काम कर रहे होंगे और आपको पता होगा यार ये मेरी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये भी नोट हो रही है, ठीक है। अगर मैं किसी को यानी किसी गरीब को देख के मुस्कुरा रहा हूँ तो ये भी मेरा अकाउंट हो रहा है, ये भी मेरा रहेगा नहीं जाएगा, तो ये भी यानी तकवा के उसमें आता है, ठीक है। तकवा कंप्राइजेस अ क्लस्टर ऑफ वैल्यूज लाइक जस्टिस, बेनेवोलेंट, स्पेंडिंग इन द कॉज ऑफ गॉड्स, रिमेंबरिंग गॉड्स, ठीक है। हर वक्त खुदा को याद रखना, हर वक्त ये जहन में रखना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे अल्लाह देख रहा है, ठीक है। अगर मैं गलत काम करूँगा और मैंने ये सोच लिया तो मैं वो गलत काम से खुद रुक जाऊँगा, खुद ब खुद ही रुक जाऊँगा। तकवा इज अ मल्टी डायमेंशनल वैल्यूज, वन कैन एक्सेल इन इट बाई कल्टिवेटिंग द नंबर ऑफ वर्चूज इन वन सेल्फ। पीपल हु सीक अ गुड स्टेटस इन द इस्लामिक सोसाइटी ट्राई टू एक्सेल तकवा। यानी अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर बेस्ट लाना है, एफिशिएंट लानी है, एफिशिएंसी लानी है, तो हमें अपने अंदर तकवा पैदा करना होगा। ये जो खान साहब हर वक्त कहते रहते हैं ना, मदीना की सोसाइटी में क्या था, दे इट इज़ बेस्ड ऑन तकवा, के लोगों के दिलों में डर था कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा, ठीक है। अगर कोई सही काम करेगा तो उसको बेनिफिट यहाँ पे मिले या ना मिले, फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा, मरने के बाद उसे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस्लामिक वैल्यूज़ में कंज्यूमर बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए जिससे आपकी सोसाइटी बेहतर हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस्लाम विजुअलाइजेज एन इकॉनमी वेयर द रिसोर्सेज आर कंजर्व रादर देन द डिप्लेटेड एंड कंज्यूम्ड अवे। यानी इस्लाम इस चीज़ पे बिलीव करता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिप्लीट नहीं होते, ठीक है, ख़त्म नहीं होते। अगर हम किसी एक चीज़ की यूटिलाइज करेंगे तो उसमें बड़ा इजाफा होगा। इसकी बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल है कि अगर हम जानवरों को देखें तो वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं ज़्यादा तादाद में होते हैं। जैसे अगर हम डॉग की देखें तो डॉग एक कुत्ता जो है वो 4 बच्चों को पैदा करता है, जबकि उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो जो हम जानवर खाते हैं ये बकरी वो तमाम से जानवर, उनकी ग्रोथ कम होती है। बट अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो डॉग्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम है बनिस्बत उनके जिनको हम लोग खा भी रहे हैं। तो इसका इट्स मीन के रिसोर्सेज कभी भी डिप्लीट नहीं होते, ठीक
ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, अगर कोई रिसोर्सेज जो हैं डिप्लीट हो रहे होते हैं, जैसे कुछ कह सकते हैं कि हम कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से या ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से अगर ज़ाया हो रहे हैं एक कंट्री में या मुल्कों में ख़त्म हो रहे हैं, देन वी शुड मेक द पॉलिसीज फॉर देम, कि हम पूरी दुनिया के मिलकर एक इस तरह का रिसोर्स, एक इस तरह के बोर्ड बनाए जो कि उस पर फोकस करे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे एयर पोल्यूशन है या सी पोल्यूशन है, सी पोल्यूशन की वजह से आपकी जो सी पॉपुलेशन है वो तेज़ी से डिप्लीट हो रही है, तो इसके लिए हमें एक बोर्ड बनाना चाहिए, इंटरनेशनली मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो कि उस सी में जो पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है उसको कंट्रोल कर सके। तो यानी हमें हम इस्लाम में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ डिप्लीट होगी, कभी भी ख़त्म हो जाएगी, एक्सेप्ट जब अल्लाह चाहेगा, ठीक है, या क़यामत के रोज़ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बिफोर दिस कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी। अगर जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो उसके लिए अराउंड द ग्लोब हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि उसको सेव किया जा सके। थैंक यू फॉर योर कंसल्टेशन। अल्लाह हाफिज़।